वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रिवीजन क्लास आपके लिए रहेगी। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास है जो आपके लिए एक टेस्ट के माध्यम से आपको रिविजन करना है, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है तो अपने पिछले एक सप्ताह के करंट का अपने रिवाइज करते हैं, ताकि पीछे का करंट है वो भी अपने साथ साथ में याद रहना चाहिए। और ये क्लास यूपीएससी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए, एसआई पटवार की वैकेंसी आएगी उसके लिए, आरएएस की तो आ ही चुकी है, आरएएस का एग्जाम है उसके लिए ये क्लास रामबाण है साबित होगी। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट है, रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम मान लो, करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। और ये जो खासकर वीकली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली आप करंट की क्लास देखोगे तो आपका अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स तैयार है होता जाएगा। तो आप सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आपके जवाब आने चाहिए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बड़ा गजब का प्रश्न है और नई नियुक्ति हुई है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? विजया रेह टक्कर को। किसको? विजया रेह टक्कर अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बन चुकी है। इनसे पहले थी रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा थी इनसे पहले, अब बनगी विजया रेह टक्कर बन चुकी है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर है अपना देश भारत। कौन सा देश है? अपना देश भारत है। और अभी जो भूख सूचकांक है ना, हंगर इंडेक्स है, उसके अंदर भारत 105वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का उद्घाटन किया गया? तो कौन से पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? केरल के अंदर। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। और इस हवाई अड्डे पर जो अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का उद्घाटन किया है। चिराटे वेंचर्स ने पेंटिंग जे मैक गवर्नर पुरस्कार के इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो चिराटे वेंचर्स ने पेंटिंग जे मैक गवर्नर पुरस्कार का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है नारायण मूर्ति को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया है? नारायण मूर्ति को। 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो, 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजकुमार हिरानी को। ऑप्शन नंबर डी, किसको सम्मानित किया गया? राजकुमार हिरानी। किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में सम्मानित किया गया है? किसे? यानी कि मानवीय, मानवता के लिए किसको पुरस्कार दिया गया? तो ये कॉन्शियस कंपनी अवार्ड के अंदर सम्मानित किया गया है मोहन जी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया गया? मोहन जी को सम्मानित किया गया। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, इनका संबंध किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 6A उनको संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। जो धारा 6 है वो असम से संबंधित है। इसे असम के अंदर आपको बता, जो भारतीय नागरिक वगैरह प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए संबंधित है ये। तो ये किससे है? नागरिकता अधिनियम से। ऑप्शन नंबर एक है, इससे नागरिकता अधिनियम। भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं भारत और कोलंबिया ने। किसने किए हैं? अभी हाल ही में भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की? तो वो की हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के नए सीएम बन गए नायब सिंह सैनी। दूसरी बार सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूरा किया, कहा कि किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा कर दी है, निःशुल्क इलाज इनको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किन राज्यों में हवाई अड्डों की शुरुआत की है? तो देखो, मोदी जी ने वाराणसी के जब ये यात्रा पर है तो वहां पर उन्होंने योजना उड़ान के तहत तीन राज्यों के अंदर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की रीवा में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो ये तीन राज्यों के अंदर उन्होंने
नए हवाई अड्डों की शुरुआत की, इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 जीता है? न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीता? तो यह हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को। इसको हराकर दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो ये किया है यूपी के अंदर, ये बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज, ये यूपी के अंदर है, झांसी के पास। कहाँ पर है? झांसी के पास है। तो वहां पर सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? देखो अभ्यास के क्वेश्चन बड़े गजब के बन रहे हैं अभी। तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? तो वो किया है ओमान के साथ। किसके साथ किया है? ओमान के साथ। 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो वो बन चुकी है बाला देवी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? बाला देवी बन चुकी है। हाल में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ये दो खिलाड़ी हैं जो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए, यांग जिन और युकुन लियो। ये पुरुष है यांग जिन और ये है महिला युकुन लियो। ये दोनों के दोनों ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। IPS ऑफिसर अजय सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो IPS ऑफिसर अजय सिंह बन चुके हैं किस राज्य के? झारखंड के नए DGP। किस राज्य के बन गए? झारखंड राज्य के ये नए पुलिस महानिदेशक बन गए। कौन है? अजय सिंह, IPS ऑफिसर है। हाल में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? ये पुस्तक भी अभी ताजा CAT के अंदर भी आई थी एक पुस्तक का नाम, जो विदेश मंत्री जयशंकर से संबंधित एक पुस्तक आई थी। तो चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इनका संबंध है M.K. रणजीत सिंह के। इसकी पुस्तक ये M.K. रणजीत सिंह की। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? तो भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच में अभ्यास हुआ है, कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर हुआ है? हालांकि इस अभ्यास का नाम नहीं है, लेकिन सीधा यह है कि दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की शुरुआत ये 20 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुई? तो 24वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ है कहां पर है? गोवा के अंदर। कहां पर हुई है? गोवा के अंदर हुई है, जिसके अंदर कर्नाटक सबसे टॉप पर आई थी और उसके बाद में राजस्थान तीन नंबर पे है। राजस्थान है तीन नंबर पे है, आगे आएंगे हम चर्चा करेंगे। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किस टीम को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किस टीम को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये रहा है इंडियन ऑयल को, ऑप्शन नंबर सी। किसको हराकर? इंडियन ऑयल को। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जनवरी 2025 के अंदर होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है केरल की सरकार ने। किसने किया है? केरल की सरकार ने। और केरल ना इसके अंदर भारत का तीसरा राज्य बन गया जो सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की खोज की गई? किस राज्य के अंदर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है, श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के यहां पर तांबे के प्लेट यहां पर शिलालेखों की खोज की गई। किस केंद्रीय मंत्री ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो वो किया है मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? मनसुख मंडाविया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 के बारे में सत्यकथन बताओ। तो ये देखो मैंने बता दिया, इसका आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। कहां पर हुआ? गोवा के अंदर।
पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान इसके अंदर महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान है राजस्थान का। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये क्रम याद रखना अच्छे तरीके से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक्स मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो बैलिस्टिक्स चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक्स मिसाइल पनडुब्बी, इसको कहां पर लॉन्च किया? विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर लॉन्च किया? विशाखापट्टनम। 2026 में होने वाले ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? लगा लो भी स्टार, पक्का ही टपकेगा। 2026 के अंदर होंगे ग्लासगो में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां पर है 9 खेलों को हटा दिया। अभी कितने खेलों को? 9 खेलों को हटा दिया इससे। कौन सा देश 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया? कौन सा देश है 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया? वो बन चुका है मिस्र देश। कौन सा बन गया? मिस्र। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 कहां प्रारंभ हुआ? तो याद रखना भी, कोप 16 कहां पर आयोजित किया जा रहा है अबकी बार? कोलंबिया के अंदर। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दीपिका कुमारी ने 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के तलास्काला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी है मैक्सिको के अंदर तीरंदाज से संबंधित, इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा देश एशी विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, इसका 69वां सदस्य देश बना है इजराइल। कौन सा देश बन गया? इजराइल देश बन चुका है। उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? भी उड़ीसा के अंदर ये तूफान आ चुका है भाई, जिसका नाम है दाना। तो ध्यान रखना, इसका नामकरण किया है सऊदी अरब ने। एक दो विद्यार्थी ने कहा कि सऊदी अरब ने इसका नाम दिया, कतर देश ने। तो ध्यान रखना, कतर देश नहीं है इसका, सऊदी अरब ही होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने ही इस चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की पहल है? और ये सीएटी एग्जाम के अंदर आया है। डिजी लॉकर किसकी पहल है? यह है इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय की। किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय की। भारत सरकार एक नए राष्ट्रीय टोल संग्रहण प्रणाली पर विचार कर रही है, यह किस तकनीक पर आधारित होगा? तो यह भी सीएटी एग्जाम के अंदर आया है। तो यह होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट पर, ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, और जितनी चीज मैंने बताई ना 16वें ब्रिक्स से अच्छे तरीके से याद कर देना भी। तो यह हुआ है रूस के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? रूस के अंदर। 15वां आपसे पूछ ले, 15वां हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां हुआ, और 16वां हुआ है रूस के अंदर। स्काइस के अंदर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा स्थान है? वह है मेघालय की राजधानी शिलांग। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है शिलांग, जो 2025 के अंदर भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान है माना गया। 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन कहां किया गया? तो प्रवासी परिचय का उद्घाटन किया गया है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। कहां पर किया गया? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। किस लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया? SHRM, तो यहां पर किसको सम्मानित किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी किसको बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को नई दिल्ली के अंदर SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 के अंदर सम्मानित किया गया। मोदी के नेतृत्व में किस राज्य में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर परीक्षण किया जाएगा, एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है। किसे 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उर्मिला चौधरी को, ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला चौधरी को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो ये आगामी 5 साल के लिए बढ़ा दिया। अभी भारत और पाकिस्तान का जो करतारपुर कॉरिडोर है ना, वो कब तक बढ़ा दिया? 2029 तक, आगामी 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास
सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ये देखो बड़े गजब के अभ्यास के प्रश्न आ रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स अभ्यास, कि कौन सा संस्करण 31वां, कहां पर है? विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? तो भारतीय नौसेना और जर्मनी की जो नौसेना है उनके बीच हुआ है हिंद महासागर के अंदर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास, जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां, किसके बीच है? भारत और जर्मनी के बीच। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताजा फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रही है? तो ताजा फीफा रैंकिंग पर स्थान रही है 125वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रही? 125वां स्थान। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ये गोवा के अंदर। कहां पर है? गोवा के अंदर होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक होगा हरियाणा में। आपको पता है हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह सीए ने 21वीं पशुधन गणना अभियान की शुरुआत कहां की है? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 21वीं पशुधन गणना अभियान की शुरुआत की है नई दिल्ली से। भी 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को, तो उनको नियुक्त कर दिया स्वीडन देश में। कहां पर किया है? स्वीडन देश के अंदर नियुक्त किया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? वो बन चुके हैं आर अश्विन। और बन चुके हैं आर अश्विन। अगला प्रश्न, भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा कर दी, इनका संबंध किस खेल से? तो भारतीय महिला किसकी थी? भारतीय महिला हॉकी टीम की ये पूर्व कप्तान थी। किसकी थी? हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी? तो यह दी है असम राज्य के लिए। किसके लिए? 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन को मंजूरी दी है एडीबी ने किस राज्य के लिए? असम के लिए। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। बस अपने फटाफट बस रिवाइज ही किया है, ज्यादा आपको बताने की डिटेल जरूरत नहीं है, बस आपको रिवाइज करना है ताकि आपका ज्यादा समय भी जाया ना हो और अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। बाकी आपको इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ऐप के अंदर वार्षिक करंट की जो टेस्ट चल रही है इसके अंदर आपको टेस्ट कल मिलेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट चल रही है स्पेशल करंट की, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है लगातार लगभग, तो इंतजार अब नहीं करना है आपको, तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लेना। अभी दीपावली के ऑफर पर आपको 50% की छूट इसके अंदर रहने वाली है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं और गजब तरीके ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। पशु परिचर की चल रही है ऑनलाइन, ये भी आप ले सकते हो। तो गजब तरीके से अपनी क्लास, सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।